अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मा, तुम आपको क्या हो गया है? मैं हूं ना आपकी बेटी श्रुति। ये तेरी बड़ी बहन है जो बचपन में नर्मदा नदी की भेंट चढ़ गई थी। मेरी बच्ची, हमें तो लगा था कि हमने इसे हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन देखो ये बेटी नहीं हुआ। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि अपनी एक बेटी के मुंह में मैं अपनी दूसरी बेटी की खुशियों का गला घोट रही हूं। नहीं मां, और कल तो मुझसे इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि मुझे लगा कि तुम श्रुति के पति को तलाक नहीं दोगी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम इन तलाक के पेपर्स पर सिर्फ इसलिए साइन कर रही थी क्योंकि मैंने तुमसे वादा लिया था, तुम्हें मजबूर किया था। तुमने तो सच में मुझे एक माँ का दर्जा दिया, लेकिन मैंने उसका फायदा उठाना चाहा, तुझे राज से दूर करना चाहा। मुझे पता था तुम्हें किसी ने ये करने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारा दिल इस तलाक की गवाही नहीं देता। अरे वाह बेटा, तुझे इन पेपर्स पर साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि तुम राज की पहली पत्नी हो। तुम्हारा श्रुति से ज्यादा हक है राज पर। तुम श्रुति की चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगी।
वो तुम्हारे और राज के बीच में कभी नहीं आएगी। नहीं माँ, ये आप गलत कह रही हैं। श्रुति दीदी कभी हमारे बीच नहीं आई, बल्कि हम श्रुति दीदी और उनके पति के बीच आए। इसलिए आज ये तलाक के कागज पर साइन करके हम इन लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। क्योंकि सहरी साहब पे हमारा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है माँ। डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करोगी। चाहती है कि हम अपनी बहन की जिंदगी में आग लगाकर अपना घर बसाएं। काहे आप हमसे इतना बड़ा पाप करवा रही हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम अपनी खुद की जान ले लें। रेवा, क्या सोचा था और क्या हो गया? ये अनु आंटी ने तो पूरी बाजी पलट दी। इतने सालों बाद अपने परिवार को पाने के बाद उनकी खुशियों के आड़े नहीं आ सकते आप। नहीं, हम अपनी बहन की खुशियां नहीं छीन सकते। जो उसका है उसको ही मिलेगा। हमें यहां से जाना ही होगा, बहुत दूर। रेवा, 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 प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। रेवा, तुम सुन रही हो ना? रेवा, रेवा बेटा, रेवा प्लीज ये पागलपन छोड़ दो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जब तक हम सहरी साहब की जिंदगी से नहीं चले जाते, श्रुति दीदी को पूरे दिल से नहीं अपनाएंगे। रेवा बेटा दरवाजा खोल। हमारा उनकी जिंदगी से चले जाने ही समस्या का हल है। मेरी बात सुन, एक बार बात तो कर ले बेटा। हमें कुछ करना होगा, हमें इन सब से दूर जाना होगा, बहुत दूर। मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद को दोषी मानकर कुछ अपने साथ करना ले। रेवा बेटा दरवाजा खोल। रेवा, अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। रेवा, रेवा, छोड़ दो, छोड़ दीजिए। रेवा, छोड़ उसको, छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए। रेवा, छोड़ो। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या करने जा रही थी? आप क्यों आए यहाँ? क्यों आए आप यहाँ? भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, हमारा मर जाना ही सबके लिए सही है। आप जाइए यहाँ से। रेवा, 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 तुम्हें कैसे कर सकती हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी।
रेखा, ऐसा करना किसी चीज का हल तो नहीं है ना? ये सब कैसे हो सकता है? अगर ये सच है कि ये रिवा अनु आंटी की बेटी है तो हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा प्रमोद। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पर ये मानव नाम की प्रॉब्लम का क्या करना है? बेसमेंट में तो उसे बांध के रखा ही हुआ है, पर आगे क्या करेंगे? उसे अभी वहीं रहने दो, आगे रीवा के साथ उसका भी काम तमाम कर देंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि रेवा और मानव मिलके कुछ प्लान करेंगे? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर मारा क्यों मुझे? एक अननोन नंबर से किसी आदमी का कॉल आया था और उसने बोला कि उसके पास सबूत है कि तुमने राज की माँ का खून करवाया था। कल इसे सबके सामने दिखाकर कश्मीरा दी का सच सबके सामने ले आएंगे। और मैं क्या सोच रहा था कि ये वीडियो हम राज को दिखा दें क्या? नहीं नहीं, भूल के भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्हें ये दिखा दिया वो कल तक का इंतजार नहीं कर पाएंगे और आज ही कुछ ऐसा वैसा कर देंगे जिससे कश्मीरा दीदी सतर्क हो सकती है। इसलिए अच्छा यही है कि उन्हें भी सबके साथ ही कल दिखाएंगे। ठीक कह रही, अब कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने आएगा। बकरी का मेमना बन के आई थी इस घर में रेवा, और अब मौका मिलते ही दहाड़ने लगी। अब और रिस्क नहीं ले सकते प्रमोद, रीवा का काम आज ही तमाम करना होगा और साथ साथ उस राज का भी। वो गांव वाली लड़की मेरी बहन कभी नहीं हो सकती, दो कौड़ी की लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती, मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता श्रुति, पर अगर तुमने कुछ जल्दी नहीं किया तो ये तुम्हारा बुरा सपना तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कश्मीरा दी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी अपनी माँ मेरे खिलाफ हो चुकी है। वही तो, अनु आंटी का मुझे भी नहीं समझ आया। आज पेपर साइन करवाने का पूरा इंतजाम करवा दिया था मैंने, लेकिन देखो ना, तुम्हारी अपनी माँ ने रीवा को अपनी बेटी बोल दिया। अब तुम बताओ मैं अब क्या करूं इसमें? और अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें खुद सोचना होगा श्रुति। मानना पड़ेगा इस रीवा को, तुम्हारे लकी चाम होने का नाटक करते करते तुम्हारी किस्मत खा गई और अपनी किस्मत बना ली उसने। पहले पति छीन लिया, फिर माँ को छीन लिया। कसम से अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो रीवा अब तक अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती। देखो श्रुति, हम तुम्हें भड़का नहीं रहे, लेकिन रात से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कुछ दिन पहले तक वो तुम्हारे आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा था, लेकिन आज उस गवार लड़की को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है। वैसे श्रुति, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रेवा को मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन राज को ऐसा पता चला कि तुमने रेवा को मारा है, वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। राज सिर्फ मेरा है,
और मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जाओ मार दो उस रीवा को और राज के लिए अपने प्यार को साबित करो। कोई भी तुम्हारे बीच में आए बिल्कुल मत सोचना श्रुति, वरना तुम अकेली रह जाओगी। तो ये मार देगी लेकिन राज का किस्सा तो वहीं का वहीं रह गया कश्मीरा। बस एक बार ये श्रीवा को मेरे रास्ते से हटा दे, उस राज का काम मैं खुद तमाम कर दूंगी। तुम्हें सच में लगता है इस तरह अपनी जान ले लेना हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन है? नहीं रेवा, नहीं, ये कायरता है और तुम कायर नहीं हो। सालों बाद आज मुझे मेरी बेटी वापस मिली है और तुम आज ही उसे मुझसे दूर करना चाहती हो। तुम इतनी नासमझ नहीं हो रेवा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मेरी सांसें भी थम जाती। ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रेवा। मुझे पता है तुम भी राज के लिए यही महसूस करती हो लेकिन खुद को श्रुति के लिए रोक रही। जो कि एक हद तक सही है, वो तुम्हारी बहन है लेकिन बेटू राज के बारे में भी तो सोचो, ये श्रुति से नहीं तुमसे प्यार करता है। तुम श्रुति की चिंता मत करो, उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उसे समझा लूंगी। उसे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो समझ जाएगी। आखिर वो भी तो एक बहन है और देखना एक दिन वो खुद तुम्हारा हाथ राज के हाथों में सौंपेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, श्रुति दिल की बुरी नहीं है। राज तुम इसे समझाओ कि ऐसी हरकत ये दोबारा ना करे। कुछ दिन पहले ही हम मिले थे और शादी के ऐसे बंधन में बन गए थे जिसके मायने हमें अभी तक पता नहीं थे। हम मिलकर भी नहीं मिल पाए थे रेवा, शायद यही हमारी नियति थी। लेकिन आज हमारी किस्मत हमको एक मौका दे रही है, हमें हमारी खुशियां चुनने का। देखो तुम श्रुति की चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। वो खुशी खुशी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। यही समझने में तो तुम धोखा खा गए राज। ये क्या बेवकूफी है श्रुति? आंखें मत बंदा राज, सब समझ आ जाएगा पर तुम बीच में मत आना। श्रुति बीच में मत आना राज, मैं गोली मार दूंगी।
बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे राज को मेरे नाक के नीचे उड़ा के ले जाओगी और मैं चुप बैठूंगी? श्रुति, ये क्या बेवकूफी है? बीच में मत आना राज, श्रुति, 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 श्रुति कर नीचे कर। आज तुम्हें पता चलेगा कि श्रुति किस हद तक जा सकती है जब बाद उसके राज किया। मेरी बात सुन, गन्नीचे कर शुरू। गन्नीचे होगी जब ये गोली इसके मौत थे के आर पार होगी। श्रुति, ये क्या बेवकूफी है? श्रुति, ये क्या बेवकूफी है? बंदूक नीचे कर श्रुति। पीछे रहना, मैं कह रही हूँ अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मम्मा, अब तो शुरुआत होगी। श्रुति नहीं, इस रेवा के सारे पापों की सजा इसे यही मिलेगी आज सबके सामने। श्रुति, क्या हो गया तुझे? अरे गलती से गोली चल गई तो? गलती से नहीं, आज मेरी मर्जी से गोली चलेगी राज, और तब पीछे हट जाओ। क्या हो गया है श्रुति तुझे? आज मैं तुम्हारा खून बहाने से भी नहीं कतराऊंगी राज।